अगर हम प्रबंधन की बात करते हैं, क्योंकि खेती में प्रबंधन बहुत ही प्रमुख है, तो प्रबंधन किस तरीके से किया जाए ताकि हमारे किसान भाई आर्थिक रूप से सशक्त हो सके, उनकी आमदनी चारगुनी छगुनी बढ़ सके? देखिए, धान एक ऐसा फसल है जिसमें कि पानी की जो मांग है वो बहुत ज़्यादा है, दूसरे फसल से बहुत ज़्यादा है। तो लगभग धान के खेत में पूरे सीजन में आपका 120 दिन का या 115 दिन में आपको 2500 मिलीमीटर कम से कम पानी की ज़रूरत है। तो जो दिक्कत झारखंड में होता है कि ज़्यादातर किसान झारखंड में जो किसान हैं उनके पास सिंचाई का प्रबंधन नहीं है। तो हम लोग ये सलाह देते हैं कि जो जो स्थिति में, जैसे वनस्पति विकास एक स्टेज हो गया तो प्रारंभ के तौर पे उस समय धान को पानी की सख्त ज़रूरत होता है, तो उसी समय में आप धान में अगर बारिश हो जाता है तो ठीक है, और नहीं अगर नहीं होता है तो उसमें थोड़ा बहुत सिंचाई का ज़रूरत होता है। और साथ ही इसके साथ जो मौसम के तरफ से जो दिक्कतें आती है धान की फसल में वो है कि बहुत सारा रोग या बीमारी या फिर कीट का प्रकोप देखा जा सकता है। तो समय से किसान बंधुओं को जो एडवाइजरी मिलता है हर केवीके से, उसके अनुसार सारा प्रबंधन समय से कर लेना चाहिए। जैसे कि एक कीट का नाम हम जिक्र कर रहे हैं, जैसे तनाछेदक कीट, वो क्या करता है, वो आपका धान का फसल में जाके उसका तना में छेद करता है, और उस स्थिति को हम लोग कहते हैं कि जो धान का जो पत्ती का जो मिडिल वाला हिस्सा है वो पूरा सूख जाता है, इसको हम लोग डेड हार्ट बोलते हैं। और यही कीट जो है वो जब बड़ा हो जाता है तो बालियों में भी वो दिक्कत करता है और बाली भी सूख जाता है, जिसको हम लोग वाइट ईयर हेड कहते हैं। इस दवाई को, इस रोग को रोकने के लिए कारटाप हाइड्रोक्लोराइड नाम का एक दवाई आता है, जिसको 25 केजी प्रति हेक्टर दानेदार दवाई है, साफ मौसम में प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ पत्तियां खाने वाले भी कीट बहुत सारे आते हैं, जो पत्तियां को सादा रंग का बना देता है, सफ़ेद रंग का बना देता है। तो उसमें पुइनल फॉस नाम का एक दवाई आता है, जो कि 1.25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टर में 15 से 20 दिन के अंतराल पे 2 से 3 दिन में छिड़काव किया जाता है।